और आइए देश के अलग अलग हिस्सों से भारी बारिश और बाढ़ की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इन सभी राज्यों में पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से किस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बांध में गेट खोलने पड़े हैं क्योंकि पानी का जो स्तर है वो इतना बढ़ चुका है, इसे खोले बिना कोई और विकल्प नहीं। ये तस्वीरें तेलंगाना की हैं, यहां भी बांध के गेट खोलने पड़े हैं, पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि बांध के गेट खोले गए। तस्वीरें आपके सामने, पानी का इतना तेज बहाव, तेलंगाना की ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात महाराष्ट्र ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाल भी भारी बारिश की वजह से बुरे हैं। आधे भारत में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में तेज बारिश, इसी तरह का कहर बरपा रही है। ये देखिए तस्वीरें, गुजरात का नवसारी, वलसाड़, अमरेली, वहीं महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, आज सवेरे से दिल्ली NCR में भी बारिश हो रही है, वहीं महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक में भी जबरदस्त बारिश हुई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश का हाल भी आप देख रहे हैं, शिमला की तस्वीर भी आपके सामने है और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, सड़कों पर पानी भरा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, उन्हें सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए कई जगह पर NDRF की टीम, SDRF की टीम राहत बचाव के काम में लगी हुई है। किस तरह से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, इनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं ताकि इन्हें न सिर्फ सुरक्षित ठिकाने तक पहुँचाया जा सके बल्कि इनके लिए खाना और साफ पानी का इंतजाम भी किया जा सके। तो गुजरात में भारी बारिश हो रही है, मुंबई में भी बारिश हो रही है, अधिकतम तापमान 27 डिग्री है। तो गुजरात की तस्वीरें, महाराष्ट्र की तस्वीरें, तेलंगाना की ये तस्वीरें बताते हुए भारी बारिश के बाद इन इलाकों में हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो गुजरात के अलग अलग जिलों का हाल क्या है, आइए जरा नक्शे के जरिए समझते हैं। तो नवसारी, वलसाड़ और डांग, अगले 5 दिनों तक यहां पर भारी बारिश होगी। ये वो इलाके हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा तापी, पंचमहल और छोटा उदयपुर, ये वो इलाके हैं जो पहले से ही काफी ज्यादा प्रभावित हैं और अगले 5 दिनों में और तेज बारिश होने की यहां पर मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई गई है। यानी कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, NDRF और SDRF की टीमों के लिए और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। वलसाड़ की अगर हम बात करें तो यहां पर औरंगा नदी उफान पर है, नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और खासतौर से जो परेशानी है वो निचले इलाकों में है। निचले इलाकों में जलभराव से स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है, NDRF को यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। वलसाड़ की हालत इतनी खराब है, वलसाड़ में आज स्कूल भी बंद रखे गए हैं। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी हाल बुरा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, सड़क पर घुटने तक पानी भरा हुआ है और ऐसे ही लोग सड़क को पार कर रहे हैं। अहमदाबाद का हाल भी भारी बारिश के बाद खराब नजर आ रहा है। इसी तरीके से खासतौर से तो दक्षिण गुजरात का इलाका है वो ज्यादा प्रभावित है, 6 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में। नडियाद की बात करें तो यहाँ लोग छतों पर रहने को मजबूर है क्योंकि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर तो पूरे तरीके से पानी का ही राज है, तो नडियाद का हाल भी हो रहा है। इसी तरीके से गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारी बारिश ने यहाँ क्या हाल किया। और आइए नक्शे के जरिए समझते हैं और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 8 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और उसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी तरीके से गुजरात की हम बात करें तो अब तक 388 सड़कें इस भारी बारिश की वजह से बाधित हो चुकी हैं। राजस्थान, गुजरात की आगे बात करें तो 5245 ऐसे लोग हैं जिन्हें इस स्थिति से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये ऐसी जगहों पर फंस गए थे जहां पर पूरे तरीके से पानी का ही राज था। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों तक पानी आ गया है, उनके पास बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, उन्हें रेस्क्यू करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर भी हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है, यहां भी हजारों की संख्या में लोग फंस गए थे। इसी तरह से तेलंगाना में लोगों को शिविरों में भेजा जा रहा है। 8 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट यहां पर भी जारी कर दिया गया है।
इसी तरह से मध्य प्रदेश में विदिशा और रायसेन में बाढ़ के हालात हैं। यहां भी लोग ऊंचे स्थानों की तरफ भेजे गए हैं क्योंकि जो निचले इलाके हैं वो पानी से सराबोर हो गए हैं। विदिशा में स्कूल बंद करने पड़े हैं, हालात इतने खराब हो गए हैं। तो ये देखिए, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले, लेकिन सभी की तस्वीर एक जैसी है, हाल एक जैसा है। 48 घंटे, पिछले 48 घंटे इन सभी राज्यों पर भारी रहे हैं और इसी की वजह से हाल खराब होता जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों में भी इसी तरह की आशंका जताई गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।